गुरुकुल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशीष। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सममित फार्मूला जो एक कंडीशन के आधार पर रो या कॉलम के कुछ वैल्यू को ऐड करता है, यानी कि सममित फार्मूले से हम किसी एक कंडीशन या क्राइटेरिया के आधार पर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके सामने एक डेटाबेस है और इस डेटाबेस में हमारा एक साल का सेल है, यानी क्वार्टरली सेल है, सेल 1, 2, 3 और 4। अगर हमें ये जानना हो कि हमारा एलजी टोटल एक सालों में कितना सेल हुआ, तो इसके लिए हम सम इफ फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर एलजी टाइप कर लेंगे और यहां पर हम फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ, इसके बाद रेंज। तो रेंज में हम सबसे पहले हमने रेंज देना है, तो रेंज में हम ये वाला सेल यानी एलजी वाला सेल को लेंगे, कामा लगाएंगे। इसके बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया में हम देंगे एलजी, फिर कामा लगाएंगे। इसके बाद सम का रेंज मांग रहा है, तो सम का रेंज हमें देना है टोटल वाला रेंज। इसके बाद कोष्टक को हम क्लोज कर देंगे। सम इफ रेंज कामा क्राइटेरिया और कामा सम रेंज। इसके बाद हमें इंटर को प्रेस करना है, तो यहां पे हमारे सामने 77 रिजल्ट आया, यानी कि एलजी की जो हमारी सेलिंग है वो है 77। तो आप देख सकते हैं एलजी जो है यहां पे 42 और यहां पे 21 और यहां पे 14। इन तीनों का सेल को अगर आप अलग अलग जोड़ें तो यहां पे इक्वल टू प्लस प्लस और प्लस आएगा 77। चलिए, तो यानी कि सम इफ फार्मूला हमारे क्राइटेरिया कंडीशन के हिसाब से रिजल्ट देता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं सम इफ फार्मूले के बारे में। तो सम इफ फार्मूला सम इफ्स दो या दो से अधिक कंडीशन और क्राइटेरिया के हिसाब से रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलजी टीवी, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा एलजी का टीवी कितना सेल हुआ, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे इक्वल टू सम और एफ्स। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, अगर आप टाइप का प्रयोग करें तो फॉर्मूला अपने आप टाइप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो आपसे मांगा है वो है सम का रेंज, तो यहाँ पे हमें टोटल वाला रेंज देना होगा। इसके बाद कामा लगाइएगा। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 मांगा है, तो ये वाला सेल एलजी वाला, कामा क्राइटेरिया क्राइटेरिया मांगा है तो एलजी दे दीजिएगा और कामा। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, तो सेकेंड टीवी वाला कॉलम, फिर कामा क्राइटेरिया 2 मांगा है तो टीवी मैंने दिया। इसके बाद आप चाहे तो और भी कॉलम बढ़ा सकते हैं, जैसे 32 इंच एलजी टीवी 32 इंच, उस पर भी आप कंडीशन क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोष्ठक बंद करूंगा और रिजल्ट देखूंगा, तो यहाँ पे 42 आप देख सकते हैं एलजी की जो टीवी है यहाँ पे 42 सेल हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे इसको भी अगर टीवी कर दें तो यहाँ पर हमारा देखिएगा जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि हमारा 42 और प्लस 21। और यहां से अगर हम इसको फिर से वही जैसे कर दें, पहले जैसा कर दें, तो यहां पर हमारा रिजल्ट आपका 42 आएगा, यानी कि एलजी का जो टीवी है हमारा वो 42 सेल हुआ है। तो इस तरह सम इफ फॉर्मूले का प्रयोग या सम इफ फॉर्मूले का हम एक कंडीशन या सम इफ का प्रयोग एक से अधिक कंडीशन के आधार पर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें कि हमारा आने वाला हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।